और बड़ी खबर आपको बता दें, नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने से कांग्रेस भड़क उठी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, ट्वीट कर लिखा, संकीर्णता और प्रतिशोध का दूसरा नाम है मोदी। साथ ही उन्होंने लिखा कि विरासत खत्म कर रहे हैं प्रधानमंत्री। ये देखिए जयराम रमेश का ट्वीट इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। तीन मूर्ति भवन के अंदर ये म्यूजियम बनकर तैयार हुआ है और आम लोग अब इसके अंदर आकर अब तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनके योगदान को देख सकते हैं। एक एक करके उनकी तस्वीरें यहां पर लगाई गई हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के सभी के कामकाज को यहां पर दिखाया गया है और इस सरकार की ये सोच रही है कि अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनके योगदान को युवा पीढ़ी जान सके। और जैसे ही आप म्यूजियम के अंदर आएंगे एक एक करके जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनके बारे में डिटेल जानकारी दी गई है और इसका मकसद बिल्कुल यही था कि एक छत के नीचे अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनके योगदान को बताया जा सके, युवा पीढ़ी जान सके कि कितने प्रधानमंत्री हुए और किन प्रधानमंत्रियों ने कितने साहसिक और बड़े डिसीजन लिए भारत के निर्माण में। ये सरकार की सोच रही है। ये तीन मूर्ति भवन है और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये निवास स्थान हुआ करता था। अब तक बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनके बारे में पब्लिक डोमेन में जानकारियां कम रही हैं। उनके परिवार वालों की ये शिकायत रही कि उनके लिए उचित सम्मान नहीं दिया गया। इसमें बहुत सारे नाम आपको दिखा सकते हैं जैसे पीवी नरसिम्हा राव हुए, एसडी देवगौड़ा, चंद्रशेखर। इनके परिवार वाले कहते थे कि एक ऐसा म्यूजियम होना चाहिए जिसके माध्यम से उनके भी परिवार में जो पैदा हुए प्रधानमंत्री और भारत की सेवा की उनके बारे में लोगों को जानना चाहिए। और उस कल्पना को, उस सोच को साकार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और पिछले साल ये संग्रहालय जो है वो देश को समर्पित कर दिया गया। अब इस पूरे मामले में एक बड़ी घटनाक्रम हुआ है जिसमें कल एक बोर्ड की बैठक हुई और ये तय किया गया कि अब इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय सोसाइटी एंड लाइब्रेरी किया जाएगा। इसको लेकर विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहा है।